प्रतिवादी का प्रतिदावा समझने से पहले पहला प्रश्न यह बनता है, इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कहाँ दिया गया है? तो उत्तर होगा, प्रतिवादी का प्रतिदावा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आर्डर 8 रूल 6A से लेकर 6G यानी आदेश 8 के नियम 6K से लेकर 6 तक दिया गया है। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सन 1976 में संशोधन करके जोड़ा गया है। अब चलिए प्रतिदावा को एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए रामदीन नामक व्यक्ति इस मकान को लेकर घरभरन नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और कहा कि घरभरन जो है ज़बरदस्ती इस मकान के अंदर घुस रहा है, इंजेक्शन व्यादेश लगाकर घरभरन को रोका जाए। अब आप लोग जानते ही हैं, न्यायालय घरभरन के घर समन भेजेगा कि एक महीने के भीतर जो रामदीन ने वाद पत्र में लिखा है उसका जवाब घरभरन वाद उत्तर के माध्यम से दे। अब अगर घरभरन रिटर्न स्टेटमेंट लिखित कथन में ये डाल दे कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, भैया रामदीन जिस घर के लिए आप इंजेक्शन व्यादेश मांग रहे हो वो तो ऑलरेडी मेरे ही कब्जे में है। जैसे ही घरभरन इस बात को अपने वाद उत्तर में डालता है वो समझ लीजिए एक हथियार बन जाता है। अब हो सकता है कोर्ट रामदीन को ही रोक दे उस मकान में घुसने से। कभी कभार प्रतिदावा वादी के लिए उल्टा पड़ जाता है, गए थे इंजेक्शन व्यादेश मांगने, उल्टा इन्हें ही मकान में घुसने से रोक दिया गया। अब आइए जान लेते हैं ये काउंटर क्लेम होता क्या है। काउंटर क्लेम असल में दावा होता है जिसे हम प्रतिवादी का प्रतिदावा के नाम से भी जानते हैं। यह सेट ऑफ की तरह नहीं होता जो सेम ट्रांजैक्शन के अंदर एराइज हो रहा हो। सेट ऑफ का दावा वो एसर्टेन सम के लिए हो जो रिकवरेबल होना चाहिए, जबकि काउंटर क्लेम का मतलब होता है वो दावा जिसमें आप एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर वादी का जो मामला है उसके ऊपर अगर कोई मामला बन रहा है उस परिस्थितियों में काउंटर क्लेम को अपने लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं इसको फाइल कब कब कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण में बताया था ठीक उसी तरह बताऊंगा कि कैसे फाइल की जाएगी काउंटर क्लेम को। जैसे ही रामदीन मुकदमा दायर करता है उसके बाद न्यायालय प्रतिवादी घरभरन को समन भेजती है, आप फला जगह पर फला समय पर उपस्थित होइए, आप अपना पक्ष रखिए। अब घरभरन लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते वक्त सोचा कि देखो ये मेरे खिलाफ रामदीन यह क्या कर रहा है, मेरी संपत्ति भी पहले से हड़पा हुआ है और मेरे विरुद्ध ऐसी हरकत कर रहा है। अब घरभरन भी लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता है, यह मेरी इतनी संपत्ति रखे हुए हैं अपने पास जिस घर में मुझे घुसने से रोक रहे हैं इंजेक्शन लगाकर, वो मकान तो ऑलरेडी मेरे ही कब्जे में है। यह एक तरीका हो गया काउंटर क्लेम को फाइल करने का, लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट के माध्यम से। अब आइए दूसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। रामदीन जब घरभरन के विरुद्ध मुकदमा किया, मुकदमा करने के बाद ये मुकदमा चल ही रहा था उसी दौरान
रामदीन और घरभरन के बीच नया मामला हो गया। इस परिस्थिति में क्या होगा? तो इस परिस्थिति में घरभरन जो लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट लगाया था उसी के अंदर अमेंडमेंट संशोधन कर देगा। वह न्यायालय में जाकर एक दरख्वास्त डालकर उसके अंदर संशोधन कर देगा। इस तरह ये दूसरा तरीका है काउंटर क्लेम को डालने का। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।